हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक वेक्टर्स चैप्टर के फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये जो सीरीज स्टार्ट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि अब जे इलेवेंथ हो, ट्वेल्थ हो, जेई हो, नीट हो, उनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, रिजल्टेंट होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये अगर हमें याद हो जाए तो हमारी 50% फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज है वो हमें याद करने पड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए और एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम 17 डेज में, मतलब 17 वीडियो में फिजिक्स 11th और 12th को कंप्लीट कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हम पैरागोनल लॉ लगाते हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें हम देखते हैं जो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनको हमें जोड़ना है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर के बीच से निकला। मतलब इसने ए वेक्टर के साथ में अल्फा कोण बनाया और बी वेक्टर के साथ में बीटा कोण बनाया, तो इसका जो आर रिजल्टेंट है उसका जो फॉर्मूला होगा वो ए वेक्टर प्लस अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट होगा। और अगर हम टेन अल्फा निकालें तो अल्फा कौन बन रहा है, वो ए वेक्टर के साथ में बन रहा है, नॉट बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर को किसी प्रकार की कोई स्पॉट नहीं मिल रही, मतलब हमें बी के साथ में साइन थीटा और कोस थीटा लगाना होगा। साइन त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम आता है, इसलिए बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगा। अगर टेन बीटा निकालना है तो ए वेक्टर के साथ में तो कोई नहीं मिल रहा, कोई स्पॉट नहीं है, इस मतलब ए साइन थीटा प्लस अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। वेक्टर एडिशन मतलब अगर मोर देन टू वेक्टर हो तो इसमें एक बहुभुज नियम होता है, वो हम अप्लाई करते हैं। एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो उसमें क्या होगा, अपने एडिशन की एडिशन किया था वहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन है, ए रूटों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा। अब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, इसमें ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का हो जाएगा ए बी कोस थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट माइन ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर डॉट, इस माइनस बी वेक्टर डॉट ब्रैकेट में लेने का मतलब है ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर की विपरीत दिशा में है, मतलब ए वेक्टर उत्तर की ओर है तो बी वेक्टर दक्षिण दिशा में है, बराबर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट में हो, इन दोनों को जैसे जोड़ना हो तो हम देख सकते हैं कि पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे प्लस फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आपको देख ले कोई दो वेक्टर्स हो और वो आपके 90 डिग्री पे हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो वो जीरो आएंगे, क्योंकि कोस 90 इज़ ज़ीरो और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, वर्क डन इसका एग्जांपल हो सकता है कि एफ डॉट एस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एस। अब देखें हम आई केप डॉट आई केप बराबर जे केप बराबर केप डॉट के केप बराबर वन होता है, आई केप डॉट जे केप बराबर जे केप डॉट के केप आई केप डॉट के केप बराबर जीरो होता है। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इसमें आर ए जो आपको ये इमेज है वो दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको देखो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और जेड वन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट है वो है एक्स टू वाई टू जेड टू, और देन हमें आर ए ज्ञात करना है। आर ए ज्ञात करेंगे क्या होगा, एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के आई जे और के, ये सब क्या हैं, ये सब आपके एक्स दिशा में एकांक सदिश आई केप, वाई दिशा में एकांक सदिश जे केप और जेड दिशा में एकांक सदिश के केप हैं। अब देखो आर बी निकालेंगे तो एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के केप हो जाएगा। इसी प्रकार हमें रिजल्टेंट निकालना था तो एक्स एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा आर बी वेक्टर डॉट माइनस आर ए वेक्टर, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई के वाई टू माइनस वाई वन जे के जेड टू माइनस जेड वन के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स,
क्रॉस प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत ही एक महत्वपूर्ण है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम सदिश गुण बोलते हैं, सदिश गुण ऑफ दो नियमों के। तो लेट सी वेक्टर बराबर मान लिया हमने एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सीधा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और इसका ए बी साइन थीटा, को क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा, कतई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात याद रखो, डॉट मतलब कॉस थीटा, मतलब क्रॉस मतलब साइन थीटा, मैथ में क्रॉस और डॉट का मतलब एक ही होता है, कहीं कहीं हम लिख देते हैं मैथ में, वैसे अलग अलग जगह हर एक चीज़ का अलग अलग अर्थ होता है। मैथ में भी तीन और अपने तीन डॉट दो लिखा है, तो इसका मतलब 3.2 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.2 मतलब 3 × 6 भी हो सकता है। इसलिए हर एक जगह एक एक हर एक सब हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। इसी प्रकार फिजिक्स में भी इनका अलग अलग महत्व है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन क्रॉस प्रोडक्ट, अब अगर ए क्रॉस बी वेक्टर हो तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। आई क्रॉस जे के बराबर के केप होगा, जे क्रॉस के केप बराबर आई होगा, के आई बराबर जे केप होगा, आई क्रॉस के केप बराबर माइनस जे होगा, के क्रॉस जे केप बराबर माइनस आई केप होगा। ये आपको देख रहा होगा, ये आपका ये चक्कर रूल बोलते हैं इसको, चक्कर रूल मतलब कैसे आई गया क्या बच गया जे, उसको कैसे आई गई इसका मतलब क्या बच गया जे, ठीक है, जे से के क्या बच गया आई। अगर हम इन तीरों की विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस का आएगा, जो भी आएगा इनमें बचेगा वो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आपको वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप अच्छी तरीके से पढ़िए और इनको सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब, कतई जहर फॉर्मूलाज। अब ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका क्या होता है, लेट्स कॉल इट सी केप, इसको एकांक सदिश बोलते हैं ना सी केप, तो देन सी केप बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, बटा में होगा, ये सब आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहिए और वीडियो में देखते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा भटकाव नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मुझे समझाने की, तो वो मैं बताता रहूँगा आपको, यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह याद रखने की। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब कंपोनेंट कैसे लेना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए कॉस थीटा निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी। अब यहाँ से आपको पता चला कि ये ए कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी कैसे आया, हमने पीछे पढ़ा था कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, वहाँ से ए रख लिया और उसने बी इसको इधर बजा दिया, ए कॉस थीटा को रख के। अब इसमें हमें कंपोनेंट क्या लेना होता है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना होता है, वो कंपोनेंट जिस वेक्टर से कौन बनाएगा, जिस वेक्टर से कौन बना रहा है, उस वेक्टर की दिशा में उस कंपोनेंट का कोस थीटा घटक लिया जाएगा, कोज्या घटक लिया जाएगा, और जिस दिशा में वह कौन नहीं बना रहा है जिस वेक्टर से, उसकी उस दिशा में साइन थीटा जया घटक लिया जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, ये सब वहीं से आ रहे हैं जहां से हमने ये अपना रूल पढ़ा था ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, वहां से इसने कॉस थीटा निकालना था, इसलिए एक बी ए डॉट बी रखे, उसके बटा में ए बी भेज दिया। इफ़ वेक्टर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, मैं इन वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट में कवर हो जाए पूरा चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बढ़ा रहा हूँ। लेट ए वेक्टर बराबर ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के केप एंड बी बराबर बी वन आई के बी टू जे के बी थ्री के केप दिया हो, तो ए वेक्टर के बराबर में निकालना है तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, एंड बी वेक्टर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी बराबर इसमें बी वन, ये बी वेक्टर के बराबर है, जो आपको माइनस का निशान दिख रहा है ये बराबर का निशान है बच्चों, इसमें बी वन की स्क्वायर प्लस बी टू की स्क्वायर प्लस बी थ्री की स्क्वायर हो जाएगी। अब ए प्लस बी करना है तो आपको पता है ए प्लस बी वन प्लस ए आई के प्लस ए प्लस बी टू की जे के और ए थ्री प्लस बी थ्री के केप हो जाएगी, इसी प्रकार माइनस हो जाएगा। अगर हमें ए क्रॉस ए डॉट बी करें तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और ए क्रॉस करना है तो आपको पता है ये रूल लग जाएगा, इसको मैट्रिक्स रूल बोलते हैं,
इसमें क्या होगा, जैसे हमें आई केप का निकालना है तो आई केप लिखेंगे, आई केप की लाइन पे आंगली रख लो और आई के जे के केप की आंगली आंगली रख लो। अब ए टू बी थ्री को गुना करो, माइनस में बी टू ए थ्री कर दो। इसी प्रकार पर जे जे केप में करो, इसमें जे केप वाली लाइन को ढक लो और उधर आई जे के केप को ढक लो। क्या बच गया, बचा क्या भाई साहब, यही बचा। इसमें हमें माइनस जे केप रख लेंगे तो ईजी हो जाएगा, कि इसमें क्या हो जाएगा फिर, इसमें यही हो जाएगा कि ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, माइनस का बाहर जे रख लेंगे तो, वैसे आप देख लो इसमें माइनस का जे बाहर रखने की कोशिश करना, जिससे आपको आसान हो जाएगा कि आप एक वे से लगे रहोगे, राइट टू लेफ्ट गुना करते रहोगे। के केप में भी यही हो जाएगा। अब देखिए आगे, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, ए कोस थीटा निकालना था तो ए डॉट बी वेक्टर की जगह हम ये रख सकते हैं ना, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री के रूट में बी वन की स्क्वायर प्लस बी टू की स्क्वायर बी थ्री के साथ थ्री। अब बी वेक्टर के साथ में लगाना था इसलिए हमने बी वेक्टर को नीचे रखा है, बी के जो आया था मैग्नीट्यूड उसको नीचे रखा है। अगर ए वेक्टर के साथ में निकालना होता तो हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नीचे रखते, परंतु ऊपर सेम ही रहेगा भाई साहब। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, तो ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ए वेक्टर डॉट ए, ए वन आई केप ए टू जे केप प्लस ए थ्री के केप, ये रूटों में आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अब बच्चों एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हमने आपको बता दिया है, ये आपका फॉर्मूला इन्होंने एडिट कर दिया है। तो इसी के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने एंड करता हूँ इस क्लास की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक्स।